Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc., or their promotion in any manner. आजकल तुम्हें पता ही है जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है लोग इतने पागल हो चुके हैं इनके पीछे यार. सीरियसली यार, मतलब रोज लाओ, चॉकलेट लाओ, अगर तुम प्यार करते हो तो वैसे ही बता दो ना. सोचो फिर हमारी कितनी फाइट होती. तुम मेरे लिए टेडी क्यों नहीं लाए, तुम मेरे लिए चॉकलेट क्यों नहीं लाए, तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं लाए. थैंक गॉड हम लोग वैसे कपल नहीं है. आकांक्षा, ये सब भी शुरू कर दिया तूने. अनिकेत जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है. आदि मुझे सिर्फ ट्राई करने को बोल रहा था. अरे यार, आज ट्राई करने कल पीना शुरू कर देगी. ऐसा नहीं होगा अनिकेत. क्या दिक्कत है भाई सिगरेट पीने में? अबे दिक्कत नहीं सिगरेट पीने में, तो जाके अपनी बहन को पिलाना. तूने मेरी बहन के बारे में बोला कैसे बे? हैं? अबे खुद की बहन के ऊपर बात आ रही तो भड़क रहा है. गाइस प्लीज स्टॉप इट यार. तुमने देखा नहीं आकांक्षा मेरी बहन के बारे में बोल रहा है वो. लेकिन आकांक्षा, अनिकेत प्लीज यार, ही इज माय बॉयफ्रेंड. प्यार करती हूँ मैं उससे. मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मेरा भला बुरा क्या है. वो सिर्फ सिगरेट ट्राई करने को बोल रहा था अनिकेत. क्या बड़ी बात हो गई इसमें अगर पी ली तो मैंने. आकांक्षा मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था, लेकिन छोड़, तू अब छोटी बच्ची थोड़ी ना है. तू तो बड़ी हो गई है, तुझे अपने भले बुरे का ज्ञान है. लेकिन आज तूने अपने 10 साल पुराने दोस्त को इस 3 महीने के प्यार के पीछे जो बोला है ना, इससे तू तो बड़ी हो गई लेकिन अपनी दोस्ती छोटी हो गई. अनिकेत दादा, आज पहली बार आकांक्षा ने मुझसे इस तरह बात की, वो भी उस लड़के के लिए. शायद यार से बड़ा प्यार ही होता है इस दुनिया. तुम अभी अपने घर जाओ, अपना ख्याल रखो. हाँ. मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ. ओके बाय. अबे तू तो आकांक्षा से भी ज्यादा चिपकू है यार, पीछे ही पड़ गया मेरे. कौन थी वो लड़की? मेरी गर्लफ्रेंड थी. और मेरी दोस्त क्या है? वो तो मेरा टाइम पास है. अबे कोई खर्चा करने वाली भी तो चाहिए हम पे. कौन, तू मेरी दोस्त को धोखा दे रहा है? पता है वो तुझसे कितना प्यार करती है? तेरे चक्कर में उसने मुझसे से लड़ाई कर ली. लेकिन आज तू रुक, आज इस झूठे प्यार का भांडा फोड़ के रहूंगा, उसको तेरी असलियत बता कर ही रहूंगा. जा जा बता दे, वोड़ा मेरे प्यार में इतनी पागल हो चुकी है तेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी. जा बता दे तो कि अपने दोस्त पर विश्वास करती है इस झूठे प्यार पे. जा 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 बता दे, सब बता दे, मेरे बारे में बताएगा ये सब. बता दे जिसको भी जो भी कुछ बताना है. हेलो हेलो. हाँ आकांक्षा. आदि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो ना मैं अपनी कजन के साथ अभी बाहर आया हुआ था, तो वो तुम्हारा फ्रेंड है ना अनिकेत, उसने हमें देख लिया और वो ना उसे पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो हम दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझने लगा. और मुझे ना बहुत डर लग रहा है आकांक्षा. वो कह रहा था कि वो ना हम दोनों को अलग करवा देगा, और मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहता आकांक्षा. प्लीज उसकी बात तुम्हें बिल्कुल विश्वास मत करना आकांक्षा. यू नो ना हाउ मच आई लव यू आकांक्षा. आई लव यू टू आदि. हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी अनिकेत से बात करती हूँ. हाँ उसकी बातों पर मत आना प्लीज. हेलो अनिकेत. आकांक्षा मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मुझे तुम्हें आदि का सच बताना है. अनिकेत मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे यार. इस हद तक गिर चुका हूँ मतलब? मतलब मुझे आदि ने सब कुछ बता दिया है फोन करके, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. मेरे दोस्त होकर तुम इस हद तक गिर जाओगे, तुम मुझसे मेरी खुशियों को दूर कर दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अनिकेत. पर आकांक्षा. मत बोलो मुझे आकांक्षा, मुझे नहीं सुनना ना मुझे कभी तुमसे मिलना. प्लीज मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना. अड़ में गई इसकी दोस्ती. लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं. अनिकेत. हाँ. जिस दिन
तेरी गर्लफ्रेंड आएगी उस दिन तो तू मुझे भूल जाएगा ना। और जिस दिन तेरा बॉयफ्रेंड आएगा पागल है तेरी जगह थोड़ा ले पाएगा कोई। तो तेरी जगह भी कोई नहीं ले सकता। प्रॉमिस मरना जीना साथ है। लेकिन आकांक्षा प्लीज यार ही इज माय बॉयफ्रेंड प्यार करती हूं मैं उससे। जीना साथ है सारी जिंदगी। हे परमेश्वर मैं तो अपनी दोस्त को समझा नहीं पाया कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है और अब तो उनसे बात भी नहीं करेगी। इससे पहले कुछ गलत हो जाए आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी दोस्त को उसकी सच्चाई पता चल जाए। तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यार कहाँ रह गया ये आदि? Sorry, the number you have dialed is not in service. फोन भी नहीं उठा रहा है यार, आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? आदि के घर जाकर ही देख कर आते हो। ये कौन है आदि? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना आदि? तुम तो मेरे हो ना आदि? प्यार और तुझसे? तुम तो मेरा सिर्फ एक टाइम पास थी। आदि मैं तुम्हारा टाइम पास थी? मैंने तुमसे पागलों की तरह प्यार किया आदि। तुम्हारे लिए मैंने अपने सच्चे दोस्त अनिकेत को छोड़ा जिसने मुझे लाख बार समझाया कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, लेकिन मेरी आंखों पे तुम्हारे झूठे प्यार की पट्टी बंधी थी। जब तुम अपने उस दोस्त को कुछ नहीं समझी तो मुझे क्या खाक समझोगी? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मेरे साथ व्यापार किया। तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आई हेट यू आदि। तू सही बोल रहा था यार, वो आदि अच्छा लड़का नहीं निकला। उसने मेरे को धोखा दिया। उसके चक्कर में मैंने तुझे कितना सुनाया, इतना भला बुरा बोला और हमारी दोस्ती खराब कर ली। मुझे नहीं करना था ऐसा। प्लीज मुझे माफ कर दे अनिकेत। मैं क्यों तुझे माफ करूं? मैं तो तुझसे गुस्सा ही नहीं हूं। मतलब मुझे पता था वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है और झूठ ज्यादा दिन सच के आगे नहीं टिकता, तो एक दिन तेरे को सच पता चलना ही था और तेरे को मेरे पास वापस आना ही था। यार तू सही कह रहा है, पता है मैं ही मेंटल थी जो उसके प्यार में पागल हो गई। एक नंबर की गधी हूं मैं। वो तो तू बचपन से है, तुझे पता चला तू मेंटल है। अनिकेत लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा और जो छोड़कर चला गया तो समझ लेना वो तुम्हारा अपना था ही नहीं। ऊपर वाला सारे रिश्ते खुद बनाकर भेजता है, लेकिन एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये दोस्ती कैसी लगी। और हाँ, थैंक यू परमेश्वर, आपने मेरी दोस्त को वापस मुझसे मिला दिया। ये दोस्ती हम नहीं।